हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री कुश्ती अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसे कि आप सबको बताया कि हमारे बोर्ड एग्जाम में अपना गिने चुने दिन बचे हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं और बहुत जल्द आप लोगों का ना डेट शीट अनाउंस होने वाली है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली आपका 10 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को आपकी डेट शीट अनाउंस कर दी जाएगी और उम्मीद है कि 10 से 15 नवंबर के से आपके पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटा जी, अब इन बचे हुए दिनों में हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी बेस्ट प्लानिंग टू स्कोर 98% इन बोर्ड एग्जाम्स। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करने वाले हैं। एंड मैं बिल्कुल श्योरली बोलता हूँ कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करके आप श्योरली 98%, 99% और 100% तक स्कोर कर सकते हो। और देखो बेटा, पॉसिबल है टर्म वन में 98% या 100% स्कोर करना पॉसिबल है। सारे का सारा जो आपका एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो मार्क्स कटने का तो मतलब ही नहीं बनता अगर आपने वो सही से किए हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी जो बात हो रही होगी वैसे मेरे हिसाब से तो अपने इंडियंस के साथ क्या होता है कि जब ना डेडलाइन पास होती है आती है ना, हम लोग अपने आप ही एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। बट फिर भी कुछ बच्चों के साथ अब डेडलाइन आ चुकी है, अब लास्ट का महीना बचा है और लास्ट का महीना बहुत बच्चों को टेंशन दे रहा होगा। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगा घबराने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड टाइम में ही पढ़ते हैं और देखो धोनी इसलिए फेमस है बिकॉज वो फिनिशिंग अच्छी करता था और आप लोगों ने भी फिनिशिंग अच्छी करनी है। स्टार्ट कोई कैसे करता है वो मैटर नहीं करता, एंडिंग आपने अच्छे से करनी है। इस बचे हुए टाइम का आपने बहुत अच्छे से यूज करना है। कई बच्चों के माइंड में आता, मतलब बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आता, आपकी वीडियो देखी या एक्स वाई जेड सात स्ट्रेटेजीज की वीडियो तो देख रहे हो, है ना। अब वो वीडियो देख देख के थोड़ी देर पढ़ने का मन करता है फिर बैठ जाते हैं। तो बेटा सबसे बड़ा मोटिवेशन जो मुझे लगता है ना वो आपके पेरेंट्स हैं, उन्हें देखा करो। ये मतलब ना कभी भी कोई स्टेप ले रहे हो ना तो ये देखा करो क्या इस हरकत से ये प्राउड फील कर सकते हैं। बस आप ये सोच लीजिए कि अब इन्हें प्राउड फील कराना है और ऑब्वियसली वो प्राउड तब फील करेंगे जब आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। वो अच्छा नहीं लगेगा कि रिश्तेदार उन्हें फोन करे और तब, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि हाँ उन्हें प्राउड फील कराना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितनी ज्यादा देखिए अभी टर्म वन का एग्जाम क्या है, हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितने अच्छे से आपने अपने कंसेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर किया, कितनी कंटिन्यूसली आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते जा रहे हो, देन ही आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। आगे मूव करते हैं, मेक अ इफेक्टिव टाइम टेबल। देखिए इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप लोग सर्च भी कर सकते हो टाइम टेबल बाय भारत पंचाल सर, आपको श्योरली बहुत ज्यादा बातें वहां से सीखने को मिलेंगी। और टाइम टेबल से मेरा मतलब यह नहीं है कि 6 बजे उठूंगा, 6:30 बजे लंच करूंगा, ठीक है ना, फिर 7 बजे फिजिक्स पढ़ने बैठूंगा। ऐसे टाइम टेबल कहने सुनने में अच्छे लगते हैं बट वो चीजें प्रैक्टिकल नहीं है, ये फैक्ट है। आपने बहुत सारी बार ऐसे ऐसे टाइम टेबल बना चुके हो आप लोग। तो बेटा बेस्ट टाइम टेबल होता है कि आप, ठीक है, अपना फिक्स करो। देखिए एक होता है ना कि अगर आपको लाइफ में आगे जाना है ना, प्लान योर डे अ डे बिफोर, अपने दिन को एक दिन पहले ही प्लान कर लो, ठीक है, कि आप क्या करने वाले, आपको एक दिन पहले से ही पता होना चाहिए। और सर कैसे, तो आप बेटा क्या करोगे, आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं पीसीएमबी और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको आप पहले ही कि कल मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर करूंगा, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करूंगा या मैथ्स का, जो भी, इस तरह से बेटा जी सारे का सारा आपका शेड्यूल बना होना चाहिए। और जैसे ही आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको टाइम मिलता है बेटा, तभी आप उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, बेस्ट तो यही रहता है। और याद रखिए बेटा, देखिए आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आपको पता है कि कौन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन आपका वीक पॉइंट है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन से आपके वीक सब्जेक्ट है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, कौन से आपके वीक चैप्टर्स हैं। बेटा जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए और ज्यादा फोकस कीजिए ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स वाले चैप्टर पे। लाइक अगर केमिस्ट्री की बात करता हूं तो केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स 10 मार्क्स का आने वाला है, तो बेटा वो अच्छा नंबर है, तो बेटा उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे ज्यादा उसके तरफ ध्यान देने वाले हो, ठीक है। गो फॉर गोल्ड नॉट फॉर स्ट्रेटेजी। देखो यार एग्जाम टाइम आ गया है, आई नो आप लोगों की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आप स्ट्रेटेजीज की वीडियो देखते हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग। स्ट्रेटेजी की वीडियो देखना कोई बुरी बात नहीं है, लाइक मैं तुम्हें एक प्रॉपर प्लानिंग बता रहा हूं, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट अगर आप दिन रात सुबह शाम सिर्फ स्ट्रेटेजी की वीडियो देख रहे हो वो बुरी बात है। देखिए यूट्यूब पे स्ट्रेटेजीज की बहार है, पढ़ाने वाले तो बहुत ही कम है, ठीक है। अब जैसे ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं भाई, मैं ये सारी चीजें आपको कराने वाला हूँ। जैसे कि मैंने प्रॉमिस भी किया था कि अक्टूबर से हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी
आपको सभी सब्जेक्ट के प्रॉपर वन शॉट, प्रॉपर एमसीक्यू और प्रॉपर डिजिटल नोट्स मिलने वाले हैं और कल से ही आपको मिलना स्टार्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि ये कर लेना ये कर लेना, आई नो ये कर लेना ये कर लेना से नहीं होगा, मैं तुम्हें मिलकर चीजें करवाऊंगा। ठीक है, और हमेशा बोल रहा है कि तुम्हारे साथ हो, घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो गो फॉर गोल्ड, आपने पढ़ना भी है, सिर्फ पेपर में स्ट्रेटेजी नहीं लिख के आओगे। ठीक है, रात को 2 घंटे सोना है, ये वो नाइट आउल बन जाना है, ये चीजें नहीं चलती पेपर में। ठीक है, तो बेटा पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटेजी देखना बुरी बात नहीं है, बट एक स्ट्रेटेजी देखो, उसको फॉलो भी करना है। आगे मूव करते हैं बेटा, स्टडी एटलीस्ट 12 hours ईच डे। अभी क्या है यार, एग्जाम टाइम आ चुका है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, सर मैं कितने घंटे पढ़ूं। देखो यार, घंटों को पढ़ाई से तोलना इज नॉट अ गुड थिंग, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि हाँ इतने मतलब आप बहुत बच्चे देखोगे जो 4-5 घंटे पढ़ के भी टॉप करते हैं, और बहुत बच्चे ऐसे होते जो 20-20 घंटे पढ़ के भी टॉप नहीं कर पाएंगे। क्या सर 4 घंटे पढ़ने वाला टॉप कैसे? वो 4 घंटे पढ़ने वाला स्टार्टिंग से 4 घंटे पढ़ रहा है। ठीक है, और जो 20 घंटे वाला है वो क्या होता है कि सामने मोबाइल खुला होता है ना, मान लो एक पढ़ाई की वीडियो देखेंगे और नीचे 20 मसाला की वीडियो देख जाएंगे, और हमारे माइंड का ये होता है ना एक, मतलब मुझे नाम नहीं बताया, एक खास करके एंजाइम सा होता है जो बड़ा फील कराता है, अच्छा फील कराता है। तो हम ना वो 15-20 क्या है कंट्रोवर्सी की वीडियो, अच्छा उस टीचर ने इसको क्या बोला, उस टीचर ने इसको क्या बोला, उसके बारे में क्या बोला, ये चीजें ना फील देती है हमें, पढ़ाई की वीडियो नहीं देखनी हम इन चीजों में। ह्यूमन नेचर है, चुगलीबाजी में मजा बड़ा आता है। ठीक है, और बाकी इंस्टा पे चले जाएंगे, बेटा मैं तो बोलूंगा देखो पहली बात तो इन चीजों को बंद कर दीजिए, और अगर हो तो ऐसे अकाउंट्स को फॉलो कीजिए जो आपको मोटिवेट कर सके पढ़ाई की तरफ। ठीक है, ये रील्स, ठुमके मारने वाले रील्स देखने बंद कर दो। ठीक है, एग्जाम टाइम में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, और कम से कम 12 घंटे डेली पढ़ना है। और बेटा अपनी हर एक मिनट काउंटेबल बनाओ, समझते हो? लाइक बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा बहुत टाइम स्कूल में वेस्ट हो रहा है, स्कूल में कुछ पढ़ाते नहीं है। तो नहीं पढ़ाते क्या हो गया भाई, पढ़ने के लिए तेरे पास और बहुत सारे ऑप्शन है, YouTube है, इतनी सारी ऐप्स, आप वहां पर पढ़ सकते हो। आपको अगर स्कूल में कोई नहीं पढ़ा रहा ना, तो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सिलेबस बहुत कम है, आपको उस सिलेबस को बहुत अच्छे से करना है, दिन रात उसकी प्रैक्टिस करो। स्कूल में बैठे हो, लाइक फर्स्ट चैप्टर उसके अच्छे से क्वेश्चन लगाने लगो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर वहां पर पढ़ाई नहीं होती, वहां पर मेरा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, लगभग सभी स्कूल्स में टाइम सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका होगा, और बेटा अगर नहीं भी हुआ तो वहां पर पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम वेस्ट मत करो। और जो भी आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स है ना, होते हैं हर सर्कल में, ऐसे होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं या जो आपको अपने एम को अचीव नहीं करने देंगे, उनसे दूरी बना के रखिए। ठीक है, आप ये मत सोचा करो कि स्कूल की जो दोस्ती है वो आपका जन्म जन्म का रिश्ता है। ठीक है, इन दी एंड आपका कैरियर ही काम आने वाला है। ठीक है, तो बेटा पढ़ाई पे फोकस करना है, और कम से कम 12 घंटे डेली पढ़ना है। दोबारा बोल रहा हूं, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, और जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनको कम टाइम दीजिए, और जो ऑप्शनल होते हैं उनको तो बिल्कुल कम, उनको तो वीकेंड पे भी पढ़ सकते हो, जैसे आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, इंग्लिश हो गया, बाकी उनकी वीडियोस भी आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे जरूरी बात कि बेटा आप लोगों की तैयारी चल कैसी रही है, आप कहां पर स्टैंड करते हो, कितने मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन है, तो उसके लिए आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो। बेटा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री मॉक टेस्ट, जैसे कि हमेशा बोला है इस चैनल पे हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट चीज का ही किसी का प्रमोशन होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री मॉक टेस्ट होते हैं हर हफ्ते, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपने किस किस पोर्शन, आप कौन कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन सा पोर्शन आपका वीक है। ठीक है, और ये बिल्कुल सीबीएसई की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है, लेटेस्ट सिलेबस है, लेटेस्ट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ये मॉक टेस्ट डिसाइड होते हैं। बेटा एक बात मैं बोलता हूँ, जेई नीट के मॉक टेस्ट करवाने वाली दुनिया मिल जाएगी, बट कोई भी बोर्ड्स के लिए मॉक टेस्ट नहीं बना रहा है, ये बात मान के चलिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, तो आपने वो मॉक टेस्ट दिया, वो जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को टॉप एजुकेटर्स के द्वारा सोल्व भी करवाया जाता है, उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। अच्छा, अब ये साइंस के साथ साथ देखिए, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। मैं बता देता हूँ, मैथ्स का आपका हर सैटरडे को टेस्ट होता है, बायो का आपका हर संडे को टेस्ट होता है, फिजिक्स का हर मंडे को टेस्ट होता है, केमिस्ट्री का ट्यूजडे को टेस्ट होता है। टाइम निकालिए, 5 से 6:30 बजे तक ये टेस्ट होता है, लाइव होता है, और आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। तो आपको इन मॉक टेस्ट में इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अभी इनरोल कीजिए, टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर बताइए। ठीक है, और एनालाइज करना है आपको अपनी वीकनेस को, आपको पता लग जाएगा ये चैप्टर से क्वेश्चन आए, ये मुझसे नहीं बना,
इट मींस इसमें मुझे अभी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है। ठीक है बेटा, और आगे बढ़ते हैं। बेस्ट स्टडी टेक्निक, ये लगभग मैं हर वीडियो में इस टेक्निक को प्रमोट करता हूं, दैट इज प्रोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं तो 10 घंटे लगातार पढ़ सकता हूं, तो आप झूठ बोल रहे हो बेटा। ये मतलब हमारा माइंड इन चीजों के लिए बना ही नहीं है कि वो एक जगह पे इतनी देर के लिए फोकस कर सके। फिर तो शायद तुम अर्जुन बन जाओगे। यूपीएससी क्रैक करना तुम्हारे ऐसे, मतलब वो कहते हैं ना, बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, हमारा माइंड इतनी देर तक एक जगह पे फोकस नहीं कर सकता। तो वो 3 का डायलॉग याद होगा कि इस मन को पागल बनाना है, इसको बोलना है कि भाई तुझे सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है। प्रोमोडोरो टेक्निक पता है ना भाई, हर वीडियो में प्रमोट किया मैंने इसको, क्योंकि ये बेस्ट है। प्रोमोडोरो टेक्निक क्या होता है बेटा, आप एक टास्क लोगे, जैसे मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ूंगा और उसके एमसीक्यू लगाऊंगा, ये टास्क है। जैसे टास्क हो गया हेनरी लॉ पढ़ूंगा और उसके एमसीक्यू लगाऊंगा, तो उस टास्क को 25 मिनट में आप लोग कंप्लीट करोगे। माइंड को बोलना सिर्फ 25 मिनट पढ़ूंगा फिर चिल। ठीक है, 25 मिनट का टाइमर सेट किया, पढ़ने लगे, फुल फोकस हो गए, देखना बेटा बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर 5 मिनट का रेस्ट लो, और वो रेस्ट ऐसा होगा कि हल्की सी सैर कर ली, पानी पी लिया, सिटअप्स लगा लिए, ठीक है, सीढ़ियों से ऊपर नीचे चले गए। क्योंकि बेटा देखो, पढ़ना पढ़ाना ये सीटिंग चीजों में आ जाती है, और सीटिंग चीजों में हमारी हेल्थ खराब होने लगती है। आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है, तो हेल्थ पे भी फोकस करना है आप लोगों ने, और इस टाइम में आप निकाल सकते हो। और ऐसे आपने 25-25 मिनट के 4 सेट लगाने हैं, और जब भी आपके 4 सेट हो जाएंगे तब आप एक 20-25 मिनट का, 15 मिनट का एक प्रॉपर ब्रेक ले सकते हो, प्रॉपर रेस्ट ले सकते हो, और फिर आप अगले सब्जेक्ट की तरफ स्विच कर सकते हो। ठीक है बेटा, इस तरह से आप लोगों ने डेली पढ़ना है। और बिगड़ा कुछ नहीं है यार, महीना है, और महीना मैं कहने को बोल रहा हूँ 40-45 दिन है, बट आप महीना भी मान के चलिए। ठीक है, हर हफ्ते आप फोकस करो कि आप एक बड़ा चैप्टर या फिर 2 छोटे चैप्टर निपटा रहे हो हर एक सब्जेक्ट के, पॉसिबल है, और हम करवाएंगे आपके लिए पॉसिबल। ठीक है, और मैंने हमेशा बोला बेटा ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। ठीक है, और मतलब जितने आपके कमेंट्स होते हैं ना बेटा, उन्हीं से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार इन बच्चों को इन चीजों की जरूरत है, इन चीजों की जरूरत है। ठीक है बेटा, तो मैं ये बोलूंगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपना एम लिखना है सब बच्चों ने, स्ट्रैटेजी लिखनी है कि हाँ सर, और ये भी बताओ कि सर मेरे वीक सब्जेक्ट ये है या वीक टॉपिक्स ये है। बेटा उन टॉपिक्स की डिटेल वीडियो आएगी या वन शॉट वन चैप्टर का सबसे पहले आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बेस्ट बुक्स की बात करते हैं, पढ़े कहां से। देखो ये इस क्वेश्चन के लिए कोई दो राय नहीं है कि एनसीईआरटी इज दी बेस्ट। एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से। ठीक है, नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलने वाले हैं, हैंड रिटन डिजिटल नोट्स हैं, किसी ने अभी तक नहीं प्रोवाइड किया टर्म वन के लिए, बट इस चैनल से आ चुके हैं। सेल्फ मेड नोट्स, आपके खुद के भी नोट्स होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको बोल लूंगा कि छोटी छोटी कॉपियां लगा लो, ठीक है, 30-35 रुपए की प्लेन रजिस्टर लगाओ। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना भाई, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, लाइक सॉलिड स्टेट में कुछ पढ़ा, आपको 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे, वो लिखते चलो कि हाँ यार इस टॉपिक में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। बेटा इसका फायदा क्या होगा कि जब आप उस ऐसे ऐसे एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपके पास 250-300 पॉइंट हो चुके होंगे छोटे 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 छोटे, लाइक AGBR कैन शो बोथ डिफेक्ट्स, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCP एंड CCP 12, ऐसे ऐसे करके 250-300 पॉइंट जब आपके पास बने होंगे तो वो चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज हो जाएगा। अब आपको वो लेंथी रट्टे तो मारने नहीं है, ठीक है ना, आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ठीक है, एनसीईआरटी को अंडरलाइन करते चलो और खुद के नोट्स बनाओ और उनको पढ़ो, एक अलग लेवल का मजा होगा। ठीक है, और सैंपल पेपर बेटा जी, लेटेस्ट सैंपल पेपर मार्केट में आ चुके हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपके टीचर रिकमेंड कर रहे हैं, आप लोग उनको बाय कर सकते हो। बट बिल्कुल अगर मैं बेस्ट सैंपल पेपर की बात करता हूं, तो अभी मार्केट में जो मैंने देखा है, ओसवाल का सैंपल पेपर दी बेस्ट है, जो आज के लिए जो भी आपकी डिमांड्स रहती हैं, ठीक है, एक अच्छे सैंपल पेपर से वो सारी फैसिलिटीज के अंदर दी गई, ठीक है ना। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मार्केट में आ चुके हैं, बाकी जो आपको ठीक लगे। ठीक है, एक सैंपल पेपर आप लोगों ने करना है, मतलब एक सैंपल पेपर की बुक में 10-15 सैंपल पेपर होंगे आपके, वो अपने सॉल्व भी करने हैं। ठीक है, और इनसे आपके प्रीवियस ईयर अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि जो सैंपल पेपर होते हैं ये अच्छे टीचर्स बना रहे होते हैं, तो इनके क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्टडी टेक्निक, देखिए मैंने आज की वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था, द मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी उतने ही ज्यादा आप पढ़ते चले जाओगे, और प्रैक्टिस आपकी जो रिवीजन है वो रिपीटेड रिवीजन होनी चाहिए। लाइक आपने एक टॉपिक एक बार पढ़ा, ये फैक्ट होता है कि आप उसके तीसरे दिन सिर्फ 60% ही याद रख पाओगे, बट अगर वही सेम टॉपिक आप 3-4 बार पढ़ लोगे तो आपके पास 90-95% तक डाटा रह जाएगा। ठीक है बेटा, एंड
दैट्स ऑल, बस मैं ये बोलूंगा अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने वीक पॉइंट लिखिए, अपना एम लिखिए, कब से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो वो भी लिखिए, और मॉक टेस्ट देके अपने आप को एनालाइज कीजिए। हर हफ्ते अपने मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस बताओ, सर अभी मैं इतना स्टैंड करता हूँ और मेरे को यहां तक जाना है और अभी मुझे उसके लिए इतना इंप्रूव करना पड़ेगा। और बेटा मैं एक चीज का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं और ये भी लगभग मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से जाते हैं ना तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। बेटा एक एम रखिए, उसके अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स लेके आने से, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। बट आप ये बोलोगे कि हाँ सर हमने मेहनत किया इसके लिए, ठीक है, चलिए दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, और भी यूजफुल वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वो जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और केमिस्ट्री का नोट्स सर्च कर सकते हो, केमिस्ट्री डिजिटल नोट्स बाय भारत पंचाल सर। बाय नाउ, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।